तो यज्ञ में यज्ञ का आयोजन हुआ। प्रथम यज्ञ में बूंदी का प्रसाद बांटा, तो दूसरी वाली यज्ञ में हमने बजरंगबली से हमने अपने बालाजी से प्रार्थना की, बालाजी यज्ञ होनी है, आप कृपा कर देना, और रुपया तो जेब में दो नहीं। यज्ञ ठन गई बड़ी, 18 पुराण, खूब बड़ा आयोजन। तो दो चार बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं ना, वो परिचित थे। हमने एक सेठ को बुलाया, हमने कहा भैया श्रीमान जी कुछ सामग्री आप दे दो और हम फिर चुका लें। सामग्री 3-4 लाख रुपए की हमने उधार ले ली। और जब वो शाम को आया, गुरु जी कब दोगे? हमने कहा देखो अगर हमारे पास आ जाएंगे तो हम दे देंगे, नहीं तो यज्ञ तुम्हारी तरफ से हो गई। बेचारे का दिमाग खराब हो गया, इतना सा मुंह रह गया, बोले तो बोले क्या, गुरु जी ठहरे हम। तो बेचारा चुपचाप चला गया, बोले जैसी कृपा। यज्ञ के 7 दिन बीत गए, गांव के लोग आए, गांव के लोग आकर बोले गुरुजी बाकी भंडारा तो खूब हुआ, इस बार पूरी सब्जी का भंडारा करवाना है। अब अपने राम जी पहले ही से उधारी में जी रहे, अब पूरी सब्जी के चक्कर में और मणिराम चाहिए। मणिराम तो राम जी के पास आए ना, हमने हाँ फिलो फिलो होता ना जो जोश जोश में कह दिया ठीक है हो जाएगा। अब फिर सेठ को बुलाया, हमने कहा सेठ जी कुछ सामान चाहिए। सेठ जी बोला महाराज 4 लाख की पहली रसीद कट गई, अब क्या चाहिए? हमने कहा नहीं कुछ आया है तो कुछ लो, पूरी सब्जी बननी है तो कुछ रिफाइंड और आटा की व्यवस्था आप करो, सब्जी की हम करेंगे। वो बड़े सज्जन भाव के सेठ जी थे, उन्होंने सामग्री दे दी। 8वें दिन भंडारा बनना तैयार होने लगा, 9 दिन की यज्ञ थी, 9वें दिन भंडारा होना था और लगभग 40 ब्राह्मण बाहर से आए हुए थे बनारस आदि क्षेत्र से, उनको दक्षिणा देनी थी। हमारे पास जो दक्षिणा थी वो हमने सेठ जी को दे दी। अब ब्राह्मणों की दक्षिणा, महाराज जी बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, ब्राह्मणों की दक्षिणा 1 रुपया नहीं बचा जेब में। अब मन में बड़ी परेशानी कि जोश में हाँ तो कह दिया, अब व्यवस्था कैसे होगी? आप लोगों में से कोई बागेश्वर धाम गया होगा तो बागेश्वर धाम के मंदिर के सामने पेड़ बहुत है वृक्ष, तो सामने मटकों में पानी भरा था, गर्मियों का दिन, हमने एक मटका उठाया और ज्यों कपड़ा जो पहने थे वैसे ही डाल करके नहा लिया। एक हेडपंप था, हेडपंप से हमने नया शुद्ध जल भरा और सोचा कि जाते हैं जल चढ़ाएंगे शायद कुछ बोल जाए। तो हाथ में मटका लेकर के हम मंदिर की तरफ बढ़े, सत्य घटना बता रहे हैं आप। सीढ़ियां चढ़े, आप लोगों में से कोई बागेश्वर बालाजी का मंदिर गए हो तो सीढ़ियां हैं, 8-10 सीढ़ियां थी उस वक्त, हम 5-6 सीढ़ी ही चढ़े, 2 सीढ़ी रुक गई और उसी समय मंदिर से बड़ी जोर के साथ गर्जना के साथ हम की आवाज आई। सोई हमारे रोंगटे खड़े हो गए और झरझर करके शरीर हमारा कांपने लगा, बड़ी जोर से जो शंकर जी का बागेश्वर महादेव का मंदिर है गर्जना गूंजती हुई आवाज आई, जा चिंता मत कर प्रातः काल तेरी व्यवस्था हो जाएगी। इतना कहते ही हमारी आंखों से झर झर आंसू बह गए और भूख खूब डर लग गया। पहली बार इतनी तेज गर्जना, आज ही हमारे कान में वो आवाज वो हुंकार की आज भी भरी, तो वो एकदम शरीर कांप गया, एकदम शरीर हम कपने लगे, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, एकदम शरीर को हम लौंचने लगे और हमने कहा कौन, हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा बोल रहे हैं क्या? तो थोड़ी देर तो कोई आवाज नहीं आई और फिर मंदिर से आई सोई मन गदगद हो गया। अब तो बड़े शरीर नाच गया, हाथ में मटका लिया, जाकर जल चढ़ाया और वो दिव्य स्वरूप आज भी हमारी आंखों में बसा।